After understanding what is land, now let's move on to understand the second factor of production, that is labor. What do you mean by labor? Normally labor यानी क्या, वही हमाल जो बोझा बिस्तर उठाता है या फिर कूली को हम लेबर कहेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं. फिर से कॉमन मैन मैंगो मैन को बुलाओ और पूछो कि भाई लेबर क्या है, कॉमन मैन बताओ. तो मैंगो मैन का यही जवाब होगा, एनी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन इज कॉल्ड एज लेबर. ओनली फिजिकल एक्टिविटी, व्हाट अबाउट मेंटल एफर्ट्स, राइट? डज अ प्रोफेशनल गिव परफॉर्म फिजिकल एफर्ट्स और मेंटल एफर्ट्स? He performs mental efforts. Does the professional produce the services? Yes, they produce the services. Then what about that? Will it be called as labor? Yes, it will be called as labor. In economics, labor not only means physical effort. Labor means any physical or mental efforts. Physical efforts or mental efforts which are carried out to produce the goods and services for a reward. आपकी मम्मी आपके लिए चाय बनाती है, सो डज शी एक्सर्ट सम फिजिकल एफर्ट्स? यस. बट डज शी चार्ज फॉर द टी विच शी सर्विंग यू? नो, शी डज नॉट चार्ज फॉर द टी शी इज सर्विंग यू, राइट? सो वट एवर एफर्ट्स योर पेरेंट्स आर पुटिंग इन फॉर यू आर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी रिवॉर्ड. सो एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट विच इज जनरेटेड टू प्रोड्यूस इवन एनीथिंग बट हैज नो कंसिडरेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लेबर. लेबर विल बी ओनली दोज फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स विच आर जनरेटेड टू प्रोड्यूस समथिंग बट फॉर अ रिटर्न, राइट? एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लेबर. लेबर वही कंसिडर किया जाएगा जब आप फिजिकल मेंटल एफर्ट करते हो इन अ डायरेक्शन सो एज टू प्रोड्यूस समथिंग एंड इन रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग सम रिवॉर्ड, देन इट विल बी कॉल्ड टर्म्ड एज लेबर इन इकोनॉमिक्स, राइट? सो लेबर क्या होता है, वो फिजिकल एफर्ट्स एज वेल एज मेंटल एफर्ट्स, राइट? प्रोफेशनल मेंटल एफर्ट ज़्यादा करते हैं, फिजिकल एफर्ट्स कम करते हैं. कूली है, हमाल है, ये लोग फिजिकल एफर्ट ज़्यादा करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबर. द अनदर पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबर. अभी क्लियर? इंजीनियर जो कंपनी में काम करते हैं, राइट, देयर एफर्ट्स आर मेंटल एफर्ट्स, सो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज लेबर. ऑल द फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज लेबर. आर द पॉइंट क्लियर? लेबर इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ 3 points, फिजिकल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स फॉर अ कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज physical and mental efforts to produce the goods and services for a consideration is called as labor. Is this point clear? Are we clear? Next is characteristics of labor. Agla point hai characteristics of labor. First is, it's a human effort. For doing or performing labor, what you need is a human being, right? If some activity is done by a robot, it cannot be called as labor because it is a machine activity, right? For performing labor, you need a human being. A physical mental effort should be done by a human being, then it can be called as labor. A physical activity which is performed by a machine or a robot cannot be called as labor. Next point, labor is perishable. Labor are gone once, is gone for ever. Let's say I have called 3 laborers at my construction site, right, for a day where the duty time is 9 a.m. to 5 p.m. for which I'll be paying them wages of 300 rupees per day. On the next fine day, मुझे रात को नींद देर से लगी इसलिए मुझे उठने में देरी होगी. लेबर जो है सुबह 9 बजे कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गया, लेकिन मैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ सुबह 12 बजे 12 p.m. को पहुँचा. अब इस सिनारियो में लेट कौन है? मैं लेट हूँ. क्या लेबर लेट है? क्या नहीं? तो क्या मैं लेबर को बोल सकता हूँ क्या, ठीक है मैं 12 बजे आया हूँ तो 3 घंटे मैं लेट हो चुका हूँ, 3 घंटे लेट काम चालू हो रहा है, आप एक काम करो 8 बजे तक काम करो, क्या लेबर मेरे लिए काम करेंगे? नहीं. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्या नहीं बोल सकता हूँ. फिर वो जो 9 से 12 का तो टाइम है जब लेबर आइडियल बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, सो दैट लेबर आर इज गॉन. कैन आई ब्रिंग दैट टाइम अगेन?
कैन आई ब्रिंग दोज लेबर आवर्स बैक? नो. विल आई हैव टू पे? यस. सो वट इज बिंग अंडरस्टूड? लेबर आर गॉन वंस आर गॉन फॉर एवर. लेबर का भी टाइम है, टाइम चला गया चला गया. टाइम रहते आप उसे काम करवाओ, टाइम होने के बाद अगर आप उसको काम करने को बोलोगे तो वो काम नहीं करेगा. इससे हमें क्या समझ में आता है? लेबर इज पेरिशेबल, राइट. जब जो टाइम पे आपको लेबर मिल रहा है तब उसका यूटिलाइज करो, अगर यूटिलाइज नहीं करो तो इट इज़ गॉन फॉर एवर, राइट. सो ये 9 से 12 का टाइम मेरा क्या हो चुका है? वेस्ट हो चुका है, राइट. नेक्स्ट, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, राइट. लेबर करने के लिए, लेबर कैरी आउट करने के लिए कौन लगता है बच्चों? एक ह्यूमन बीइंग जो है लेबर, राइट. इफ देर इज नो लेबर देर कैन नॉट लेबरर, सॉरी लेबरर लगता है, इंसान लगता है, ह्यूमन बीइंग लगता है. अगर कोई लेबरर नहीं है तो लेबर हो सकता है क्या? नहीं. कूली है तो लेबर होगा, हमाल है तो लेबर होगा. अगर हमाल नहीं कूली ली तो लेबर होगा क्या? नहीं. तो कूली से लेबर बनता है और लेबर से कूली, लेबर जो है वो कूली से बनता है, राइट. सो दोनों भी क्या है? एक दूसरे से जुड़े हैं, इनसेपरेबल है. अगर कूली होगा तो ही लेबर होगा, लेबर तभी होगा जब कूली प्रेजेंट होगा. इसीलिए हम कहते हैं लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर. इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर इज एन इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबर इज एन इनएक्ट, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट. लेबर इज द मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबर ही वो है जो बाकी सभी फैक्टर्स को इकट्ठा करता है और उनको जोड़ के जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, राइट. जो लेबर जो हमारे फार्म पे काम करते हैं, दोज ब्रिंग इन, सी लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, बट द लेबर वर्किंग ऑन द फार्म कैरी आउट ऑल द फार्मिंग एक्टिविटीज जिसे कि फार्म में प्रोड्यूस बन सकता है. तो सबसे ज़्यादा मेहनत कौन ले रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में? लेबर लेता है. लेबर ही वो है जो बाकी सभी रिसोर्सेज को यूज़ करके, बाकी सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके फाइनल आउटपुट यानी फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है. सो लेबर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट, लेबर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, राइट. अ पर्सन कैन बी फिजिकली फिट, राइट. लेट्स से ये है छोटू, ये है मोटू. तो मोटू जो है खाता ज़्यादा है, इसके फिजिकल पावर ज़्यादा है, इसका फिजिकल पावर ज़्यादा है, राइट. मोटू का फिजिकल पावर ज़्यादा है, सो इज एबल टू जनरेट मोर फिजिकल एफर्ट्स. लेकिन जो छोटू है वो कम खाता है लेकिन दिमाग ज़्यादा चलाता है, राइट. सो ही कैन पुट इन मोर मेंटल एफर्ट्स. जो ज़्यादा खाता है वो सिर्फ फिजिकल एफर्ट कर पाता है, इसलिए फिजिकल एफर्ट्स. ये कम खाता है, दिमाग लेकिन ज़्यादा चलता है. देख, बाहु में बाहुबली नहीं है लेकिन फिर भी दिमाग से चाणक्य है. सो दैट पर्सन विल बी एबल टू डू मोर ऑफ द मेंटल एफर्ट्स. लेकिन जो खाली पहलवान है, जो बोलते हैं ना पहलवान की पूरी बुद्धि घुटने में होती है, क्यों? क्योंकि उसकी पास शक्ति या फिजिकल एफर्ट करने की तैयारी ज़्यादा है, मेंटल थिंकिंग प्रोसेस उसका उतना फास्ट नहीं होता, राइट. सो एक पहलवान है जो फिजिकली फिट है, ज़्यादा ताकतवर है, उसके लिए फिजिकल एफर्ट्स करना काफ़ी आसान है. लेकिन एक नॉर्मल से टीनेजर के लिए जो हु इज़ नॉट दैट फिजिकली फिट बट ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन और प्रोफेशनल, ही इज़ वेरी मच शार्प थ्रू हिज मेंटल एफर्ट्स, राइट. सो दोनों के बीच में अगर कंपेयर करें तो दोनों भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है. एक लेबर ऐसा है जो फिजिकल एफर्ट ज़्यादा कर सकता है और दूसरा लेबर ऐसा है कि जो मेंटल एफर्ट ज़्यादा कर सकता है. तो क्या दो लेबर के बीच में फ़र्क है? यस. सो लेबरर आर डिफरेंट. इससे पॉइंट क्या हमें समझ में आता है? पावर्स, लेबर पावर्स डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और लेबरर टू लेबरर. लेबरर टू लेबरर हर एक लेबर की क्षमता बदलती रहती है. नेक्स्ट, ऑल लेबर्स मे नॉट बी प्रोडक्टिव, राइट. कंस्ट्रक्शन साइट पे मान लो अगर 5 लोग हैं, वो 5 लोगों में से एक तो व्यक्ति ऐसा होता है जो कामचोर बना करता है, बस ड्यूटी पे आता है, बस टाइम पास झुंझुलेपन का चालू रहता है उसका. इधर देख, उधर देख, ये देख, मोबाइल देख, अभी फ़ोन करता हूँ, जाके आता हूँ, ऐसे ऐसे चालू ही रहता है उसका. वो काम कम करता है और बाकी गर्दा ज़्यादा करते रहते हैं, तो उनका प्रोडक्टिवनेस कम होता है. और काम पे ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ काम काम और काम पे फोकस्ड होते हैं, तो उसका प्रोडक्टिवनेस ज़्यादा होता है. जो काम के प्रति बहुत सीरियस है उसका प्रोडक्टिवनेस ज़्यादा है, जो काम के प्रति कम सीरियस है उसकी प्रोडक्टिवनेस कम होती है. इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्टिवनेस ऑफ लेबर ऑल्सो डिफर्स. जो काम के प्रति काफ़ी सीरियस है उस व्यक्ति की प्रोडक्टिवनेस ज़्यादा होगी, जो काम के प्रति कम सीरियस है उस व्यक्ति की प्रोडक्टिवनेस कम होगी, राइट. नेक्स्ट, लेबर हैज़
पुअर बार्गेनिंग पावर, द लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, जो लेबर होता है उसका बार्गेनिंग पावर काफी कम होता है, राइट, इसीलिए तो वो लेबर है, राइट। कूली ले लो, हमाल ले लो, क्या इन्हें पेमेंट उस दर्जे की दी जाती है जिस दर्जे का किसी इंजीनियर को या बड़े सीईओ को या एमडी को मिलता है? नहीं। लेकिन क्या ये बड़े लोग इन्फ्लुएंस करके इन लेबर के साथ बार्गेन करते हैं? यस। लेकिन क्या ये लेबर लोग बड़े लोगों के साथ बार्गेन कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन बड़े लोग जो है लेबर के साथ बार्गेन करते हैं, इसीलिए ये माना जाता है कि लेबर का कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होता है, या फिर पुअर बार्गेनिंग पावर होता है, काफ़ी कम बार्गेनिंग पावर होता है। नेक्स्ट, लेबर इज मोबाइल। सी, देर आर टू साइट्स, मेरी एक साइट परभनी में है, दूसरी वर्किंग साइट कंस्ट्रक्शन साइट पुणे में है। पुणे में अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से पुणे में पूरा कंस्ट्रक्शन बंद है। तो क्या मेरा पुणे का पूरा लेबर शिफ्ट करके मैं मेरे परभनी के कंस्ट्रक्शन साइट पे शिफ्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकता हूँ। इससे मुझे क्या समझ में आता है? आई कैन शिफ्ट लेबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे क्या समझ में आता है? लेबर इज मोबाइल, दैट मीन्स इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट इज, देर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट। दैट मीन्स लेबर का इतना फास्ट आप एडजस्टमेंट शॉर्ट पीरियड में नहीं कर सकते। इसीलिए घर में देखा है, आपकी मम्मी जो है आपके पापा से आपसे ज़्यादा ध्यान मौसी भाई का रखती है। मौसी भाई चाह देऊ का, कहीं खायला देऊ का, नवीन साड़ी देऊ का, काय लागल तो मला सांगा, इतना ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि मम्मी को मालूम है गंगू बाई चली गई तो दूसरी कोई मिलना बहुत मुश्किल है, फिर खुद को ही बर्तन घसने पड़ेंगे, फर्शी करने पड़ेगी, झाड़ू निकालना पड़ेगा। इसलिए जो मम्मियाँ होती है वो बाई का ज्यादा ध्यान रखती है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर रैपिड एडजस्टमेंट लेबर का नहीं होता, यानी आप कम समय के अंदर लेबर सप्लाई को बहुत रैपिडली चेंज बढ़ा या कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, द लेबर हैज़ द चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर, ही डिसाइड्स कि उसे कितना काम करना है और कितना टाइम आराम करना है, वो उसके मुताबिक काम करता है। जब तक उसके पूरे वांट सेटिस्फाई नहीं होते तब तक वो काम करने के लिए तैयार होता है। एक बार उसके पूरे वांट सेटिस्फाई हो गए उसके बाद एडिशनल काम करने के लिए वो कतराता है, वो बोलता है नहीं अब शरीर को आराम चाहिए, इतनी मेहनत काफ़ी है, मेरी पूरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, राइट। ये चॉइस भी लेबर करता है बिटवीन द लेबर आवर्स एंड लेजर आवर्स। आर वी क्लियर? सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ वॉट एवर वी हैव सीन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। सो वॉट इज लेबर? लेबर इज एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डन विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज लेबर। लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन एफर्ट, लेबर इज पेरिशेबल, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबर, लेबर इज एन इन इज एन एक्टिव फैक्टर, लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, लेबर इज मोबाइल, देर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ लेबर इन शॉर्ट रन एंड शॉर्ट पीरियड एंड चॉइस बिटवीन द आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। आई होप ऑल द पॉइंट्स ऑन वॉट इज लेबर एंड वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर इज वेरी मच क्लियर। थैंक यू सो मच।